नमस्कार साथियों, चलिए आपको बधाई हो। ये ट्रांसलेशन का काम हम लगभग पूरा कर चुके हैं और आखिरी दौर पर आ गए हैं, और अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। तो जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, हैज़ बीन और क्रिया का आईएनजी वाला रूप, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस था, हैड बीन और क्रिया का आईएनजी वाला रूप, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस क्रिया का आईएनजी वाला रूप लगेगा। और जहाँ तक ये आईएनजी वाले रूप की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, देखिए वर्ब जो है, वर्ब गो वेंट गॉन है ना, तो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है गो है ना, और पास्ट फॉर्म है वेंट, और गॉन को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म जिसे हम और आप कहते हैं, उसका एक्चुअली नाम पास्ट पार्टिसिपल है गॉन के लिए, जो परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। इसी तरह से जब आईएनजी हम जब लगाते हैं, जैसे गोइंग, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, या इसका एक और भी नाम है जीरंड। तो जैसे क्रिया में आईएनजी बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। कंटिन्यूस टेंस में हमने इसका प्रयोग करा, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका प्रयोग करा, जब वर्ब में आईएनजी लगती है तो उसका नाम है जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल, जबकि क्रिया के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये नामों को जो है, टेक्निकल वर्ड्स को भी हमें आपको समझना है। फिलहाल मैं एक बात और यहीं पर बता दूं कि यदि वर्ब के पहले टू लगा हो, टू डू, टू गो, तो इसको इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के कई फॉर्म हो गए, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरंड फॉर्म, और इन्फिनिटिव फॉर्म, इतने सब फॉर्म्स हम और आप वर्ब के यूज़ करते हैं। तो फिलहाल में फिर आ जाते हैं हम अपने काम पर, और जैसे मैं आपको बता रहा था पिछले समय कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि क्या बात कही जानी है। मैंने आपसे कहा था कि कल मैं 2 बजे आपसे मिलने आऊँगा, और जिससे मिलने जा रहे हैं वो 2 बजे तक अपना घर छोड़ देगा, है ना। तो इस तरह की कुछ बात चल रही थी कि आई विल हैव लेफ्ट द हाउस बाई 2 o'clock, 2 बजे तक मैं छोड़ दूंगा, है ना, तो बेहतर ये हो कि आप उसके पहले ही आ जाइए। तो इस तरह से बहुत कुछ हमें सोच समझ कर वाक्यों को बनाना होता है। और इस समय पर बात हो रही है कि विल हैव बीन प्लस क्रिया का आईएनजी, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि जैसे सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही थी और सुबह से बारिश हो रही होगी। कल की बात करूँ, अगर मान लीजिए आपसे जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, ख़ासतौर से मौसम की भविष्यवाणी करने वाले लोग, अगर आपसे ये कहें कि कल सुबह से ही बारिश हो रही होगी, छाता लेके निकलिएगा, तो इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग टमोरो, है ना, कल सुबह से ही बारिश हो रही होगी, है ना, टेक एन अम्ब्रेला विद यू। इस तरह से बहुत कुछ हमें आपको ध्यान रखना है। यदि नकारात्मक वाक्य हैं तो नॉट लग जाएगा, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग, है ना, और यदि प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो विल पहले आ जाए, विल इट हैव बीन रेनिंग या विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग टमोरो, इस तरह की बात हम और आप करेंगे। तो यहाँ आके हमारे ये अनुवाद या ट्रांसलेशन के नियम समाप्त होते हैं। आपको मैं बधाई देता हूँ, आपने पूरी हमारी बात ध्यान से सुनी। अब और हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं, उनको हम उठाया करेंगे, और आप अपनी जानकारियाँ, अपनी प्रश्न, सहमतियाँ, असहमतियाँ, है ना, सब कुछ हमारे पास पहुँचाते रहिए, ताकि हमको आगे कार्य बढ़ाने में सहूलियत हो। आपके अब तक के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके हर सहयोग का मुझे इंतज़ार है, हर क्वेरी का मुझे इंतज़ार है, हर प्रश्न किसी भी तरह का, किसी भी स्तर का आप पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अपनी बात बताने की। धन्यवाद, नमस्कार।